आजकल हम बहुत सारे बुखार के वास्ते देख रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट है डेंगू। ये डेंगू कैसा आता है और आए तो क्या होता है, कब हम डॉक्टर को मिलना है और क्या करना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत रेड्डी, कंसल्टेंट फिजिशियन, रेनोवो हॉस्पिटल्स बंजारा हिल्स। डेंगू वायरस फीवर मच्छर के काटने से आता है। जब भी मच्छर काटता है तो उसके काटने से हमको डेंगू का वायरस बॉडी के अंदर जाता है। वो वायरस के वजह से हमको जब डेंगू बुखार आता है उनको हाई ग्रेड फीवर जैसा बुखार 103 104 तक चले जाता है, और बहुत सारे पेन्स जॉइंट्स में, मसल्स में, हेडेक, इसके वजह से पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं। तो अब ये क्या करना है, डॉक्टर पहले उनको उसके वास्ते मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और प्लेटलेट्स चेक करते हैं। डेंगू में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। वो प्लेटलेट्स चेक करने के बाद अगर प्लेटलेट्स बहुत ही कम है, 1 लाख से कम है, तो डॉक्टर एडमिशन के लिए बोल। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो दूसरे पैरामीटर्स जैसा किधर से भी ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे नाक में से, मुंह में से, यूरिन में, मोशन गए तो वो टाइम पे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो भी एडमिशन के वास्ते बोलते हैं और पेशेंट को प्लेटलेट्स छिड़ाते हैं। तो ये मेन ट्रीटमेंट रहता है डेंगू में। इसके बावजूद और क्या होते हैं, डेंगू में दो कॉम्प्लिकेशंस है, डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हिमरेजिक फीवर। शॉक सिंड्रोम में डेंगू में पेशेंट का बीपी पूरा गिर के शॉक में चले जाते हैं, और डेंगू हिमरेजिक फीवर इसमें प्लेटलेट्स 20,000 से भी कम हो जाते हैं और बॉडी में हर प्लेस में ब्लीडिंग हो जाता है। तो ये जो दो है बहुत सीरियस कंडीशंस है, इसीलिए जब भी हमको बुखार आता है फर्स्ट डॉक्टर को मिलना है। अगर उसमें डेंगू का पॉजिटिव आया है तो जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं जैसा डेली टेस्ट और नहीं तो एडमिशन या आईवी फ्लूइड्स, जो भी एडवाइस करते हैं एडवाइस के हिसाब से सामने जाना पड़ता है। और ये डेंगू वायरस नहीं आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मच्छर अगर नहीं काटते तो डेंगू आने का चांसेस नहीं, तो मस्किटो नेट्स घर के आजू बाजू, पानी अगर कुछ है तो उसको क्लीन कर देना, अगर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो मेक श्योर कि उसमें मच्छर वगैरह उसमें कुछ ब्रीडिंग नहीं हो रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जब भी बुखार आता है सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए, तुरंत जो भी डॉक्टर आपके पास है उनको जाके मिलिए।